हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विथ आईआईटीएन। दिस इज खिरोद और आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग नया ट्रेडर है, जो लोग बिगिनर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से उनको सब चीज के बारे में पता चल जाएगा कि डे ट्रेडिंग होता क्या है और क्या क्या चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हम लोग यूज करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा और साइकोलॉजी क्या होगा, और मैं किस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ इसके बारे में ये वीडियो में मैंने बताया हूँ अच्छा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखिए हाउ डज डे ट्रेडिंग वर्क्स। देखिए डे ट्रेडिंग की होता क्या है, डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है, इंट्राडे, जिसको हम बोलते हैं कि एक दिन में एंट्री करना है, उसी दिन हम लोगों को मार्केट से एग्जिट कर लेना है। जैसे कि सुबह मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, तो हम लोग 9:15 से 3:15 बज के जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी एंट्री लेंगे, जो भी एग्जिट लेंगे एक ही दिन के अंदर, उसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि डे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट स्टॉक्स और इंडेक्स व्हिच इज लाइकली टू गो अप और गो डाउन एंड बाइंग और सेलिंग इट एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट। मतलब एक ही स्टॉक्स या फिर इंडेक्स, कोई भी स्टॉक्स हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, जैसे कि बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि एक ही दिन में जो मार्केट ऊपर जाने के जाएगा हम लोग बाय करेंगे, नीचे आएगा हम लोग सेलिंग करेंगे, उसमें से जो प्रॉफिट निकालेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ वी बाय ए स्टॉक, हम कोई भी स्टॉक को खरीदे हुए है, वो ऊपर जाता है तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर वो नीचे आता है तो हमको लॉस होगा। और अगर हम किसी भी स्टॉक को सेल भी हम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट सेल, अगर किसी भी स्टॉक्स को हम सेल किए हैं, अगर वो नीचे आया तब हमको प्रॉफिट होगा, अगर वो ऊपर गया हमको लॉस होगा। हाउ टू नो व्हिच साइड स्टॉक विल मूव, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक्स अभी मूव करेगा, ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा। देखिए उसके लिए ना, फॉर दैट वन हैज टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, उतना काफी है मार्केट को जानने के लिए। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट नीड्स, देखिए व्हाट नीड्स टू बिकम ए प्रो ट्रेडर। तो एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले देखिए मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले इंटरेस्ट चाहिए, कि आपको ना स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी चीज ले लीजिए आप दुनिया में, आईटी ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, डॉक्टरी ले लीजिए, कुछ भी चीज, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो आप उसमें प्रो नहीं बन पाएंगे, मास्टर नहीं बन पाएंगे। टीचिंग लाइन हो गया, कोई भी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर देखे ना, बहुत सारे ट्रेडर है जिनको पढ़ाई में, टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपना ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट में है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोगों को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो हम लोग टीचिंग लाइन को भी आ जाते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या ना, आपके आपके इंटरेस्ट होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है, एजुकेशन चाहिए, आपको सीखना होगा। देखिए फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले आप सीखिए फिर कमाइए, तो ये एक रूल है कि एजुकेशन, आपको सही एजुकेशन भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड क्या है, देखिए तीन नंबर पे आपको स्किल्स होना चाहिए आपके पास। स्किल्स, स्किल्स का मतलब क्या है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया और प्राइस एक्शन हो गया और इंडिकेटर हो गया, तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किल्स बोलते हैं। सबसे जो लास्ट है ना, वो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस। आपको जितना एक्सपीरियंस होगा मार्केट में, आप उतना अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम आपको, देखिए आपको मार्केट में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये जरूरी है मार्केट के लिए। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए डे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एक्चुअली में इंट्राडे, डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है, इंट्राडे। ठीक है, मतलब एक ही दिन में हम लोग ट्रेड करेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मतलब 2 दिन से लेके जिंदगी भर तक, कितना भी साल आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके बारे में डिफरेंस हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए इसे बताने वाले तो बहुत सारे डिफरेंस निकलेगा, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा हुआ हूँ। पहली बात तो देखिए, डे ट्रेडिंग इज ए शॉर्ट टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म मतलब एक ही दिन में आपको ट्रेड करना है, तो इट इज ए शॉर्ट टर्म ट्रेड। वन हैज टू बाय एंड सेल स्टॉक ऑन द सेम डे। देखिए एक ही दिन पे उसको बाय करना पड़ेगा, एक ही दिन पे उसको सेल करना होगा। इसके बाद इन्वेस्टिंग क्या होता है, दिस इज ए लॉन्ग टर्म। देखिए वन कैन बाय और कीप स्टॉक एज मेनी एज इयर्स
वन, मतलब वो जितना साल तक चाहेगा उतना साल तक वो होल्ड करके रख सकता है। जब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा तभी जाके वो एग्जिस्ट करेगा। ये होता है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट किए। उसके बाद सेकंड देखते हैं कि मेनली डिसीजन आर टेकन बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। जो डे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, जो एक दिन में हम लोग एंट्री लेते हैं, एक दिन में हम लोग एग्जिट करते हैं, उसका जो मेन पॉइंट होता है ना, जैसे कि जिस बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं, जिस बेसिस पे हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, जिस बेसिस पे हम लोग टारगेट लेते हैं, उसका जो मेन डिसीजन होता है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से डिसीजन लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या हो गया? टेक्निकल एनालिसिस हो गया, इंडिकेटर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, बहुत सारे चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि मेनली डिसीजन आर टेकन बेस्ड फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए जो इन्वेस्ट करेगा कोई भी कंपनी में, जैसे कि आप रिलायंस में मतलब 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा, तो उसमें आपको फंडामेंटल देखना होगा। फंडामेंटल में क्या क्या आता है? फंडामेंटल में आता है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है कि एक ही साल में कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को, कितना लॉसेस हुआ कंपनी के ऊपर, कितना डेब्ट है, सीईओ कौन है, मैनेजमेंट टीम कौन है, इसका ऑनर कौन है, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखना होता है। डिविडेंड कैसे मिलता है, ये सब चीज को बेसिस करके फंडामेंटल एनालिसिस बनता है। तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग में देखना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए डे ट्रेडिंग में वन कैन मेक मनी इफ स्टॉक्स गोज अप। अगर स्टॉक्स ऊपर जाता है तभी एक लोग पैसा कमाएगा डे ट्रेडिंग में, अगर नीचे भी आता है तभी भी पैसा हम लोग कमाएंगे। अगर मार्केट एक पॉइंट पे रहता है तभी भी हम शॉर्टकट्स के पैसा कमा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है पता है? इन्वेस्टिंग में पैसा कमाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना जरूरी है। देखिए मार्केट ऊपर जाएगा तब भी हमको प्रॉफिट मिलेगा, अगर मार्केट नीचे सेम पोजीशन पर रह गया या फिर नीचे आ गया तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे डिफरेंस में। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स कौन सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए अभी जो आ गया ना, अभी आ गया कि टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यूज इन डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग लोग जो बताते थे ना कि हम टेक्निकल बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं डे ट्रेडिंग, तो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर बताया हुआ। देखिए सम ट्रेड्स यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स, सम सॉरी ट्रेडर्स मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। सम ट्रेडर्स यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन डाइवर्जेंस, सुपर ट्रेंड एक्सेट्रा। सम ट्रेडर्स कुछ ट्रेडर्स यूज करते हैं फॉर देयर ट्रेडिंग डे। और कुछ कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, वो लोग डाटा बेस पे ट्रेड करते हैं, डाटा लाइक ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, OI डाटा जिसको बोलते हैं हम लोग, CPR कॉल पुट रेशियो एंड पोजिशन टेक अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से कुछ लोग डाटा को देख के ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर को देख के ट्रेड लेते हैं, और कुछ ट्रेडर्स क्या होते हैं जो कि ऑप्शन ग्रीक्स में क्या हो गया, थीटा हो गया, गामा हो गया और रो हो गया, तो ये सब हो गया, थीटा अल्फा हो गया, अल्फा थीटा गामा रो, ये बेस पे कुछ लोग ट्रेड लेते हैं जो कि ऑप्शन ग्रीक्स में होते थे। अच्छा और क्या है, और कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि प्योर प्राइस एक्शन, वो लोग प्राइस को देख के लेते हैं, जैसे 200 हो गया, 300 हो गया, 225 हो गया, ये प्राइस होता है ना, जैसे कि प्राइस होता है, प्राइस के अपन वो लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मैं एक प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस ये भी कुछ कुछ टाइम यूज करता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन मोटो है मैं प्राइस देख के ट्रेड लेता हूँ, प्योर प्राइस ट्रेडर हूं मैं, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं। तो ये हो जाता है हम लोग कौन कौन सा स्ट्रेटजी है जो कि डे ट्रेड में यूज होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है। देखिए कौन सा हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर देखेंगे, जो चार्ट देखेंगे हम लोग कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर देखेंगे और कौन सा ब्रोकर में हम लोग ट्रेड करेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए चैटिंग सॉफ्टवेयर जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और मैं नहीं पूरा दुनिया में ट्रेडर्स है, लगभग लगभग 90-80% ट्रेडर ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कौन सा वाला? देखो आई पर्सनली यूज ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप सभी को पता होगा, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ट्रेड के लिए। ट्रेडिंग व्यू हैज वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेस फॉर ट्रेडिंग और वेरी यूजर फ्रेंडली। और देखिए ये हो गया आपका चार्ट देखेंगे, अब कौन सा ब्रोकर आप यूज करेंगे। देखिए आप डायरेक्ट तो NSE के साथ ट्रेड नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो आपको ट्रेड करने के लिए आपको ब्रोकर के हिसाब से, ब्रोकर एक मीडियम है तो आप उनके थ्रू में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट ब्रोकर है इंडिया में, पहले नंबर में जेरोधा, फिर एंजल वन, अपस्टॉक्स, फायर्स और बहुत सारे ब्रोकर्स है, जैसे कि हो गया कोटक सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे, लेकिन जो लोग ज्यादा टाइम जो अच्छा है एक जेरोधा है, जेरोधा अच्छे से काम करता है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ एंजल वन, अपस्टॉक्स, फायर्स, ये सब मैं यूज करता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि इसमें
और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, लैगिंग होता है। लैगिंग मतलब क्या है कि आप एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो आप सही टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आप लॉस में आ जाएंगे। लेकिन ये लोग में जो कस्टमर सर्विस है थोड़ा ज्यादा तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन थोड़ा अच्छा है थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा सा कस्टमर सर्विस इन लोग अच्छा है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, ब्रोकर कम एक्सक्यूज सॉरी, ये हो गया ब्रोकर और चैटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या है। देखिए, व्हाई डू मोस्ट ट्रेडर्स फेल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर 90% ट्रेडर फेल क्यों होते हैं, और 10 मतलब 100 में से 95 ट्रेडर फेल होते हैं और 5-10 ट्रेडर सक्सेस होते हैं, क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है। देखिए, सबसे जो पहला रीजन है, डे ट्रेडिंग रिक्वायर गुड बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी। देखिए, आपके पास ना एक्सपीरियंस होना चाहिए डे ट्रेडिंग को सीखने के लिए। देखिए, अगर आप नया है, आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, जब आप टाइम देंगे मार्केट को, सीखेंगे, आप तो एक दिन में आके मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते ना। तो इसीलिए मैंने न्यू ट्रेडर्स लेक गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड दे डिपेंड ऑन लैगिंग इंडिकेटर। देखिए, वो लोग जो नए नए आते हैं ना, वो कुछ भी एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, जो कि क्या है कि बाद में सिग्नल देता है आपको, बाद में मतलब मार्केट ऑलरेडी ऊपर में होगा तभी आपको बाई सिग्नल देगा, तब आप मार्केट ऑलरेडी ऊपर है तब आप बाई करके में तो करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, या तो आपको छोटा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको एक बड़ा प्रॉफिट लेना होगा, तभी जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो लोग नया आते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। उसके और क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए पहली बात तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि वो कौन सा पॉइंट पे एंट्री लेंगे, कौन सा पॉइंट पे वो लोग एग्जिट लेंगे। तो इसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं जो इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होता है, जो बाद में सिग्नल देता है, जैसे कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर होगा तभी जाके बाय सिग्नल देगा देगा, या फिर मार्केट बहुत नीचे होगा तभी जाके सेल सिग्नल देगा देगा। तो इसमें क्या हुआ कि वो लोग क्या हो गए, फंस गए उसमें। प्रॉफिट तो होता है, छोटा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को भी उन लोगों को नहीं मिलता है। क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट कि आपका जो रिस्क है ना, अगर 1,000 रुपया रिस्क है तो उसमें से आप 2,000 रुपया कमाना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट कि आपका रिस्क कितना है, आपका टारगेट कितना है, आपका प्रॉफिट कितना होगा, और क्या है साइजिंग, पोजिशन साइजिंग। पोजिशन साइज का मतलब देखिए, अगर आप कोई भी, देखिए अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, एक ही ट्रेड पे 1 लाख लगा दिए, उसका नीचे आ गया, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, आपका 10,000 रुपया उधर चला गया, तो आप कभी भी एक स्टॉक्स पे आप पूरा कैपिटल है वो मत लगाइए। देखिए, घर बेच के, फिर आपका जो भी पर्सनल चीजें है, सोना बेच के, ट्रेडिंग पे मत लगाइए, क्योंकि आप नया है, जब एक्सपीरियंस बन जाएंगे तब आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी नया है, अभी सीखने के लिए 5-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डालिए, उससे सीखिए मार्केट में आप। ये होता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब आप कितना पोजीशन ले रहे, कितना अगर आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक्स का ले रहे, कितना क्वांटिटी ले रहे, 100 क्वांटिटी ले रहे, 200 क्वांटिटी ले रहे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना का लॉस होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो कितना लॉट आप ले रहे, एक लॉट ले रहे, दो लॉट, अगर आप पहली पहली आ रहे हैं तो एक लॉट या फिर दो लॉट से काम कीजिए, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप 15 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट में काम कर सकते हैं। ये आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट। साइकोलॉजी क्या है, देखिए साइकोलॉजी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, कि साइकोलॉजी में क्या होता है, कि साइकोलॉजी में ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब क्या है, अगर मार्केट ने नीचे आ रहा है, उनका स्टॉप लॉस इसी पॉइंट पर है, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर गया, फिर भी वो लोग एग्जिट नहीं करेंगे, वो जो अपना लॉस है ना, क्योंकि मार्केट तो दिखा रहा होगा 10,000 रुपया, 15-5,000 रुपया लॉस दिखा रहा होगा, वो हैंडल नहीं कर सकते, वो लोग वेट करेंगे, वो लोग सोचेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए फिर हम एग्जिट कर लेंगे, लेकिन मार्केट आएगा नहीं, फिर नीचे चल जाएगा, ये जो 5-10 हज़ार रुपया उनका 20-30 हज़ार रुपया हो जाएगा, उनका अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। और जब प्रॉफिट दिखाएगा ना, अगर वो लोग बाइक इसी पॉइंट पे किए, प्रॉफिट दिखा, थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखाएगा ना, वो लोग एग्जिट कर देंगे, क्योंकि लॉस के कारण डर से, डर में उनके अंदर डर आ जाएगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहे, ये प्रॉफिट शायद लॉस में आ जाएगा, इसलिए वो लोग बुक कर लेंगे। लेकिन मार्केट इतना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर चले जाएगा, अगर वो लोग होल्ड करते हैं तो जो 1,000 रुपया वो लोग प्रॉफिट बुक किए ना, उस टाइम पे वो लोग 10,000 रुपया प्रॉफिट लेते हैं। तो ये होता है एक साइकोलॉजी होता है, जिसको जब नया आते हैं ना, वो लोग हैंडल नहीं कर सकते, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रेटजी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया। अभी चलते हैं थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, ये हो गया देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन डे ट्रेडिंग। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा साइकोलॉजी डिटेल्स में बारे में समझते हैं। देखिए विनर्स, देखिए जो विनर होते हैं ना, कि विनर्स
नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। देखिए विनर जो है ना, देखिए मेरा स्टॉप लॉस मैंने इसी पॉइंट पे बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस इसी पॉइंट पे था, ठीक है ना। तो मार्केट ने आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मैं क्लोज कर दिया मेरा सिस्टम और मैं निकल गया मेरा काम पे। लेकिन जो लूजर होते हैं ना, वो मार्केट के साथ फाइट करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आए फिर वो लोग फिर नीचे आएगा फिर ऊपर, वो लोग होल्ड करेंगे, एट द एंड वो लोग बड़ा लॉस लेंगे। तो आप मार्केट के साथ फाइट मत कीजिए, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अब मार्केट से निकल जाइए, सिंपल सा बात है। अभी सेकंड क्या है, देखिए सेकंड अभी ये है कि ट्रेडिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू कवर अप लॉसेस फ्रॉम प्रीवियस ट्रेड्स आर श्योर शॉट रेसिपी टू डिजास्टर, डाइजेस्टर एंड ऑल्सो नॉन डिफेंस ट्रेड। देखिए पहला ट्रेड में आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, उस लॉस को कवर करने के लिए फिर से ट्रेड लिए, वो लॉस हो गया, फिर उसको कवर करने के लिए आप फिर एक ट्रेड लिए, वो छोटा सा प्रॉफिट दिया, आप लोग सोचे थे अभी तो प्रॉफिट दे रहा है मेरा, फिर आप एक ट्रेड ले लिए, फिर आपका लॉस हो गया। तो इन द एंड में आप 5-6 ट्रेड ले लिए, आपका कैपिटल जो है पूरा वाइप आउट हो गया, वाइप आउट का मतलब खत्म हो गया। तो ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग, आपने रिवेंज में ट्रेड किया, आपका जो साइकोलॉजी वो सही नहीं रहा। और क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब देखिए, एक ट्रेड किया मैंने, मैंने सोचा था कि इसी पॉइंट पे मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट ने एक बार में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ चले गया। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी तो ब्रेक, अभी तो मेरा पॉइंट तो ये था, ये वाला पॉइंट पे आ गया, मैं इसी पॉइंट पे एंट्री ले लेता हूँ, फिर मार्केट ने पटाक से नीचे आ जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना। फियर में है आप, डर है शायद मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। मतलब देखिए जैसे कि मार्केट ने क्या किया, आपने इसी पॉइंट पे देखिए मार्केट ने ऊपर है, मार्केट ऊपर है, तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि इसी पॉइंट पे मार्केट आएगा तब मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट ने इसी पॉइंट पर है, आप सोच रहे कि मार्केट शायद इसी पॉइंट पे नहीं आएगा, इसी पॉइंट पे नहीं आएगा, फिर आप इसी पॉइंट पे ट्रेड ले लिए, फिर वो क्या किया, फिर वो नीचे आ गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। ये होता है फ्री ऑफ मिसिंग। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग में बता दिया हूं, ओवर ट्रेडिंग मतलब आप एक दिन में आपका जितना भी मन करेगा उतना ट्रेड कर ले रहे हैं, मतलब लॉस प्रॉफिट आप ध्यान नहीं दिए, लास्ट डे एंड में आपको ट्रेड मिला, ग्रीन दिख रहा है आप ट्रेड ले लिए, रेड दिख रहा है आप ट्रेड ले लिए नीचे साइड, तो लास्ट में एट द एंड में आप लॉस करते हैं, ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं। इंपल्सिव ट्रेडिंग मतलब, इंपल्सिव ट्रेडिंग मतलब आपको कुछ नहीं पता है, आप किधर भी एंट्री ले रहे हैं, किधर भी एग्जिट कर रहे हैं, कुछ भी क्या मार्केट के बारे में ध्यान नहीं है। देखिए मार्केट को जब भी हम मार्केट में एंट्री लेंगे तो एक लॉजिक के साथ एंट्री लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या है। अभी रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मैं बोलता मैं फिर पहले ही बता दिया कि पूरा डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट। वीडियो लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत काम में आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से कंप्लीटली वीडियो को देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिए, समझिए मैं बात बताने क्या चाह रहा हूँ। अगर आप नया ट्रेडर है, देखिए फर्स्ट है सेट योर स्टॉप लॉस, पहले आपका स्टॉप लॉस, देखिए ट्रेड अगर लेने से पहले आपका जो स्टॉप लॉस है वो डिसाइड होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कौन सा। अगर आप कोई भी स्टॉक्स को 300 रुपया में खरीद रहे हैं इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में, तो आपका जो उसका स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना होगा कि आपका उसका स्टॉप लॉस जो 200 लबे होगा, 200 बयानबे होगा, ये आपका पहले से डिसाइड करना होगा। बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, फर्स्ट थिंग यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वेयर इज माई स्टॉप लॉस। पहले खुद को पूछिए आप कि आपका जो स्टॉप लॉस है कौन सा पॉइंट पे है। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड नेवर ट्रेड विदाउट फिक्स्ड योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। कभी भी आप अपना टारगेट नहीं, अगर आपको टारगेट नहीं पता है, आप बस एंट्री ले रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। पहले अपना टारगेट देखिए कि हाँ ये वाला पॉइंट मेरा टारगेट होगा, ये वाला स्टॉप लॉस है, अगर इसी पॉइंट पे आ गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, अगर इसी पॉइंट पे मार्केट आ गया तो मैं मेरा टारगेट बुक करूंगा, मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा। तो इसको आप पहले से फिक्स करके रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। नेवर एवरेज योर लूजिंग ट्रेड, मतलब अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप फिर से खरीद रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, एवरेज कर रहे हैं आप 300 पर खरीदे थे, अभी आपने और 100 क्वांटिटी खरीद लिए, उसको एवरेज कर दिए 295, लेकिन मार्केट तो नीचे आ रहा है ना। देखिए मार्केट में इतना ताकत है कि वो पूरा दिन भी नीचे आ सकता है या फिर पूरा दिन भी ऊपर जा सकता है। तो आप इसको कभी भी अपने ट्रेड को जो एवरेज मत कीजिए, अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ तो आपने बस आपको उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्टॉप लॉस ले लीजिए। अभी लास्ट क्या है, देखिए लर्न पोजिशन साइजिंग, पहले ना पोजिशन साइजिंग आप सीखिए। मैं ये पहले ही भी बता दिया हूँ कि आपने पोजिशन साइजिंग पहले आप सीखिए कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, मैं जो 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ ना, 100 क्वांटिटी का प्राइस कितना है, इसमें लॉस होगा तो कितना का लॉस होगा, क्या मैं ये लॉस बियर कर सकता हूँ, या फिर कितना का प्रॉफिट होगा इसमें। ये जो मेरे मैं जो 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ जिसका प्राइस है 1 लाख रुपया, इसमें अगर लॉस होता है मेरा तो मेरा 10,000 रुपया लॉस होगा, क्या 10,000 रुपया में लॉस ले सकता हूँ। तभी उसी हिसाब से अपना पोजीशन साइजिंग कीजिए, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए। अगर आप 10,000 रुपया नहीं ले सकते तो आप जो 100 क्वांटिटी ले रहे हैं उसको आप 50 कर दीजिए, 5,000 हो जाएगा आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो,
सॉरी आपका जो स्टॉप लॉस ये होता है पोजीशन साइजिंग। ठीक है चलते नेक्स्ट, माय डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और कितना स्लाइड है, सॉरी खत्म हो गया, लास्ट है। देखिए मैं क्या यूज करता हूं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, सबसे पहले तो मैं डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन सीक्रेट प्राइस एक्शन करता हूं। देखिए ये सीक्रेट प्राइस एक्शन में यूट्यूब पर सिखाता हूं और मेरा जो पेड कोर्स है उसमें भी मैं सिखाता हूं। ठीक है तो ये जो हो गया हमारा सीक्रेट प्राइस एक्शन और कंबाइंड विथ पिवट पॉइंट्स, तो मैं इसको कभी कभी पिवट पॉइंट के साथ कंबाइन करके मैं ट्रेड लेता हूं। और क्या हो गया, और हो गया आई, अच्छा कौन सा टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ, आई यूज बोथ 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर डे ट्रेडिंग। मैं ज्यादा टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज करता हूँ। ठीक है और क्या हो गया, और हो गया कि सम टाइम आई यूज सम टेक्निकल इंडिकेटर, मैं कभी कभी टेक्निकल इंडिकेटर यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग में, जैसे कि रिग्रेशन ट्रेंड हो गया। जितने भी लोग मेरा ट्रेनिंग लिए हुए हैं फ्री हो गया या फिर पेड हो गया, उन सभी को पता होगा कि रिग्रेशन ट्रेंड लाइन क्या होता है। फिब रिट्रेसमेंट यूज करता हूं मैं, ईएमए यूज करता हूं, सुपर ट्रेंड यूज करता हूं अपने ट्रेडिंग में। और क्या मैं फॉलो करता हूं, मैं कुछ चार्ट पैटर्न, जैसे कि ये हो गया आपका एम पैटर्न, ये हो गया आपका डब्ल्यू पैटर्न, तो ऐसे सम चार्ट पैटर्न्स को मैं फॉलो करता हूं। और कुछ कैंडलस्टिक रूल हो, जैसे कि डॉजी हो गया आपका, ठीक है ना, या फिर हमार हो गया, या फिर इन्वर्टेड हमार हो गया, हाँ, या फिर मोरूबुजू हो गया, तो ये सब मैं कुछ कुछ फॉलो करता हूँ मार्केट में। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑलवेज रिमेंबर मार्केट इज सुप्रीम, सो रेस्पेक्ट मार्केट। हमेशा याद रखिए कि मार्केट भगवान है, मार्केट सुप्रीम है, आप भगवान नहीं है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट भगवान है, तो मार्केट का को हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो आप उसका ऑपोजिट में ट्रेड मत लीजिए। ठीक है ये हो गया मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं। अच्छा कॉन्टैक्ट है मेरा, ये मेरा एड्रेस है, मैं एक्चुअली एमटेक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ आईआईटी खड़गपुर का, फोन मेरा फोन नंबर ही है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ये मेरा मेल आईडी है, ये मेरा जो ऑफिशियल मेल आईडी इंस्टीट्यूट का है, और ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ेगा कोई भी हेल्प का। और लास्ट में थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, हैप्पी ट्रेडिंग। तो आज का वीडियो में बस ये था, अभी मिलेंगे नया वीडियो और पूरा, अगर आप देखिए अगर आप नया है पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बताइए, पूरा सीरीज में लेने वाला हूँ बिगनर्स के लिए जो बेसिक्स से पूरा। ये था बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जल्दी मिलेंगे नया वीडियो।